हम विशेष रूप से हमारे पूरे परिवार को, पूरे हमारे बाप वालों को, जितने भी रिश्तेदार, तमाम लोगों को जो अलग अलग जगह में क्रिसमस मना रहे हैं, बड़े दिन को मना रहे हैं, आइए प्रार्थना करें कि सबसे पहले मैं सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की ओर से JK247 चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से जो मकसद है आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का जो खुशखबरी है, जो पैगाम है, और प्रभु यीशु मसीह अपने साथ जो प्यार लाया, मोहब्बत लाया, और वही प्यार मोहब्बत को इस पूरे दुनिया में अपने जीवन के द्वारा दिया है, और आज हमारे पूरे कलीसिया के लिए हमें खुशी की बात है, और हमें खुशी महसूस हो रही है, हमें फख्र महसूस हो रहा है, और ख़ास करके मैं पूरे इस सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो हम साथ मिल करके हम बड़े जोश उमंग के साथ हम खुशियाँ मना रहे हैं, और आज वही खुशियाँ हम पूरे बारामूला जो कश्मीर वैली है, जितने भी हमारे भाई बहन है, परिवार है, उन सबों के साथ हम अपना प्यार व्यक्त करना चाहते हैं, और व्यक्त तभी कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। और वही सबसे बड़ी बात है कि लोग क्रिसमस पर पाते हैं, लोग कहते हैं कि क्रिसमस के दिन में केक बांटा जाता है। डेफिनेटली हम इस दिन हम केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, अपने खुशी व्यक्त जाहिर करते हैं। और संता क्लॉस स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक महान मुक्तिदाता थे, और महान मुक्तिदाता हैं, और हमारे बीच में आ करके हमें मुक्त करते हैं, आज़ादी दिलाते हैं। हाँ, अनेक किस्म के गुलामी हैं, परेशानी है, कठिनाई है, बहुत सारे उस चिंताओं से हमें मुक्त देते हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना है, हमें उन्हें अपने जीवन में वेलकम करना है। इसलिए ईश्वर का वचन भी कहता है कि देख, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरी वाणी सुनोगे और तुम मुझे अपने घर में वेलकम करोगे, स्वागत करोगे, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। तो कितना सुंदर वचन है। तो मैं विशेष रूप से आज पूरे इस हमारे बारामूला के आवाम को मैं विश करना चाहता हूँ, हमारे सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की ओर से सबों को मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ यू, एंड मे द गुड लॉर्ड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू अबंडेंटली। एंड सेकेंडली, आज महामारी का दौरान है, फिर से हड़कंप मच रहा है चाइना में, लेकिन आज मैं पूरे बारामूला के आवाम के लिए, पूरे लोगों के लिए, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वेलविशर्स हैं, बेनिफैक्टर्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, तमाम लोगों के लिए हम मिल करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि हम बारामूला में, हम कश्मीर घाटी में बड़े सुख सहन अमन के साथ जी सकें। वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। स्टेट में अमन हो, शांति हो, जैसे पहला हमने कई साल पहले जो 90s से पहले था, जो हालात वैसे हालात फिर बने, खुशी आए, जिसमें सिक्योरिटी एक हो, जिसमें लोगों को कोई जान का खतरा ना हो, अमन चैन से सब लोग रहें, भाईचारे से रहें, और सबको ऊपर वाला खुशियाँ दे, अच्छी सेहत दे,